आंखों का मेरी खाके बलूचिस्तान है। यहाँ मैंने गोश्त चढ़ा दिया है, कौरमे की तैयारी कर रही हूँ, मैं कौरमा बनाऊंगी। नान मैंने बाजार से मंगा लिए है, हो सका तो रेसिपी शेयर करूंगी कि मेरी छोटी बेटी की सालगिरह है। हम सालगिरह मनाते तो नहीं है बड़ी, लेकिन हम आपस में खाना भी अच्छा कुछ बना लेते हैं, केक वगैरह काटते हैं। और यहाँ पे बच्चे मिली नगमे चला रहे हैं, बस क्योंकि हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। पाकिस्तान का दिन है भी तो हमारे बच्चों ने वही मॉल बनाया हुआ है, मिली नगमे चल रहे हैं। योगों में भी काम में मसरूफ हुई हुई थी, अभी मैंने गोश्त चढ़ा दिया। इसका तो आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि मैंने क्या क्या डाला, आप तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। जब ये बॉयल हो जाएगा, ये बीफ है बड़े का गोश्त है, तो इसको बॉयल कर उसके बाद ही कौरमा बनेगा। यह हमारे जानने वाले कोई हैं, उनने ये हरी मिर्चें भिजवाई है गाँव से लेकर आए हैं। 14 अगस्त के दिन ग्रीन ग्रीन सी हरी मिर्चें, ये अंगूर है माशाल्लाह से बिल्कुल फ्रेश ताज़े अंगूर। यहाँ गोश्त बॉयल होने वाला है, गोश्त पानी खुश्क हो जाए। और ये प्याज भी गोल्डन हो गए, इनको निकाल कर फैला कर तो नहीं रखूँगी, मुझे बिरयानी में नहीं डालने, मुझे वैसे भी पेस्ट बनाना है इनका। ये तक लहसुन का पेस्ट बनाया, तक लहसुन का पेस्ट ख़त्म हो गया है, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने बनाया है। देखिए मेरे को यही मैंने मंगाया थोड़ा सा, अभी दूसरा सामान मंगाना है, फिर मैं चीज़ें बना के रख ली थी, फिर पूरा महीना चलता है, लेकिन अगर ख़त्म हो जाए तो मुझे काफ़ी परेशानी होती है, काम करने में देर भी हो जाती है। लेकिन अभी तो मैंने सिर्फ इस टाइम के लिए थोड़ा सा ही बना दिया, उसमें टाइम भी काफ़ी लगता है। ये देखिए यहाँ मैंने प्याज गोल्डन करके रख दिया, उसमें मैंने दही डाल दिया एक पाव, गुलाब कौरमा मसाला है, सूखा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर है, नमक बिल्कुल गोश्त बॉयल करते हुए डाल दिया था। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा मैंने डाल दिया है कि थोड़ा सा था ग्राइंडर में भून नहीं रहा। इस मसाले को मैं अभी ग्राइंडर में जूसर में घुमा दूंगी और ये बिल्कुल पीस जाएगा, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए कौरमे का मिक्सर जो होता है, सारा सामान डाल के मैंने उसको तैयार कर दिया है। ये देखिए माशाल्लाह से अभी जिस प्याज ऑयल में मैंने प्याज गोल्डन किए थे, उसमें थोड़ा खड़ा गर्म मसाला डालकर उसमें गोश्त डाल दूँगी। गोश्त को कुछ देर भूनने के बाद फिर उसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और फिर कुछ देर भूनूँगी। उसके बाद फिर मैं ये मिक्सर डाल दूँगी और भूनूँगी, फिर उसके बाद पानी डाल दूँगी कुछ, ताकि सारा मसाला भी मिक्स हो जाए। जब देखूँ बिल्कुल तैयार होने वाला है, तो मैं एक चम्मच आटा लेकर जो रोटी पकाते हैं पानी में मिक्स करके वो मैं इसमें डाल दूँगी, जिसकी वजह से ये कौरमा है तो कौरमे का लुक भी इसमें आ जाएगा और ये घाटा भी हो जाएगा, जिससे कि शोरबा अच्छा सा बन जाएगा, जो कौरमे का जितना रखना होता है वो भी तैयार हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड अभी सब्ज़ी लेकर आए हैं, टमाटर इनको धोकर साफ़ करके मैं फ्रिज में रखूँगी। आलू मैं इतने मंगाती नहीं, आलू ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो मंगाती 2 दिन से ज़्यादा आलू नहीं रख सकते घर में, ये ख़राब हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, पहले ही मीठे आ रहे हैं। ये प्याज है, अदरक लहसुन है, इनका मैं पेस्ट बनाऊँगी, लहसुन पे धनिया निकाल लूँगी और उसकी डंडिया में संभाल के रख दूँगी, तो मुझे काम आती है। मैंने आप लोगों को बताया कि फिर मैं डालती हूँ गोश्त बॉयल कर रही होती हूँ। हरी मिर्च तो वैसे ही मेरी आ गई है तोड़ने के तौर पे, वो तो मैंने नहीं मंगाई। अब ये सारा सामान जो है सब्ज़ी है मैं सही से संभाल के रखूँगी, धोने की और धो के फ्रिज में रखूँगी, इस तरीके से रखनी होगी इस तरीके से। ये पुदीना और हरा धनिया, इसको मैं नहीं धोऊँगी, इनको मैं अखबार में लपेट कर और वो जो लिफाफे होते हैं जिसमें आती है तो चावल आते हैं, चीनी वगैरह आती है, उसमें डालकर मैं रख दूँगी फ्रिज में तकरीबन 1 महीना, बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। मैं आप लोगों को जब मैं रख रही हूँगी तो दिखाऊँगी, आप लोग भी ऐसे किया करें, बिल्कुल फ्रेश रहेगा पुदीना भी हरा धनिया भी। लेकिन हरा धनिया अलग लपेटे, पुदीना अलग लपेटे, क्योंकि फिर जब ख़राब होने का टाइम आता है तो धनिया पीला ख़राब होता है, इसके पत्ते नरम होते हैं और पुदीना बाद में होता है, तो उनको अलग अलग लपेटा करें। और ये नान है माशाल्लाह से, कौरमा मैं खुद बना रही हूँ, लेकिन नान मैंने बाज़ार से मंगा दिए, गर्मी बहुत है, काम भी बहुत फैला हुआ था, इस वजह से नान मेरे हस्बैंड वहीं से मेरे लेकर आ गए हैं और कौरमा भी बना रही हूँ खुद ही, केक भी लेकर आ गए मेरी बेटी का। कुछ देर के बाद हम सिर्फ फैमिली मेम्बर ही होते हैं, केक काटेंगे और खाना वगैरह होता है, और बस ये छोटी सी हम आपस में सालगिरह करते हैं, इतनी बड़ी सालगिरह नहीं कहते, ना ही किसी को बुलाते हैं ना कुछ, हमारे भी फैमिली होती है और बच्चों की भी जब भी बर्थडे आती है तो केक ज़रूर काटती हूँ, लेकिन आपस में हम घर में ही काट लेते हैं। खाना
खड़े थे गरम मसाले में मैंने भूनने के बाद फिर मुझे लहसुन का पेस्ट डाला। ये देखिए अभी इसमें मैंने मिक्सर बना के रखा है, अभी इस टाइम पे हम इसमें ये वाला मिक्सर डाल देंगे जो मैंने तैयार करके रखा हुआ था। ये डालने के बाद मैं इसको भून लूंगी। भूनने के बाद अगर यखनी बचे तो आप लोग यखनी डालें, नहीं तो फिर पानी डाल देकर, मेरे पास यखनी है मैं यखनी डालूंगी। थोड़ी देर पकाने के बाद फिर आटे का एक चम्मच लेकर चम्मच थोड़े से पानी में घोल कर वो मिक्सर में डाल दूंगी। दो तीन मिनट के लिए घुमाऊँगी और जिसका शोरबा होगा वो घाटा सा हो जाएगा, पिक हो जाएगा, तो फिर मैं उसको उतार दूँगी। ऊपर से कटी हुई अदरक और एक दो हरी मिर्च डाल देंगे, लेकिन पकते हुए आप लोग हरी मिर्च मत डालिएगा, कोरमे में नहीं डली हुई होती है हरी मिर्च। अगर आप लोगों को डालनी है तो बिल्कुल आखिर में डालना, मैं भी आखिर में डालूंगी और कटी हुई अदरक ऊपर डाल के और हमारा कोरमा तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग, इस टाइम अब मैं इसमें यखनी डाल दूँगी। ये देखिए मैंने यखनी डाल दी है, यखनी मैंने डाल दिए। यखनी में अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप पानी डाल दें। अगर आप लोगों ने गोश्त की बिल्कुल सुखा दी है, इसी तरीके से चिकन का भी बनता है, इसी तरीके से मटन का भी बनता है कोरमा। यही रेसिपी होती है, तो ये है कि बड़े का है गलने में टाइम लगता है इसलिए मैंने बॉयल कर दिया है, और छोटे का गोश्त और चिकन को तो बॉयल नहीं करना पड़ता। वो आप लोग ऐसे ही ऑयल गर्म करें और उसमें गरम मसाला डालकर उस गोश्त को थोड़ी देर भूनने के बाद आप लोग चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल के उसको रखते दम पे छोटे के गोश्त को, जब वो थोड़ा गल जाए तो फिर उसके बाद दही वाला मिक्सर डाल दें। और चिकन में तो कोई ज़रूरत नहीं है पानी की, चिकन आप ऐसे डायरेक्ट ही बना सकते हैं भूनने के बाद और ये दही वाला मिक्सर डाल दें। ये राई आटे वाला पानी जो मैंने घोल के रखा है, मेरे पास कॉर्न वो भी रखा हुआ है, कॉर्नफ्लोर भी रखा हुआ है, पर नहीं मैं आटा डाल रही हूँ। ये आम आटा है जो हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और मैं इसको थोड़ी देर पानी खुश करने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए कोरमा तैयार हो गया, माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा कोरमा बना है। मैंने इतना ही पतला रखा क्योंकि नान के साथ खाने में आसानी हो। अगर आप लोगों को ज़्यादा घंटा करना है, ज़्यादा घंटा करना है तो थोड़ा आटे की मकदार बढ़ा दें, लेकिन इतना तो होना चाहिए रोटी खाने में आसानी हो। आज 14 अगस्त भी है और जुमे का दिन भी है, इस वजह से सब नमाज से फारिग हो जाए, नमाज़ वगैरह पढ़ कर आ जाएंगे तो हम सब बैठ के हम भी नमाज़ पढ़ लें, सब फारिग हो के नमाज़ वगैरह से फिर बैठ के हम खाना भी खाएंगे और केक भी काटेंगे इंशाल्लाह। कि मैंने अखबार में लपेट लिया है पुदीना और हरा धनिया, दोनों को मैंने अलग अलग लपेट लिया है। अब मैं इन दोनों को इस तरीके का कोई लिफाफा हो, आटे का हो, किसी भी चीज़ का हो, उसमें आप लोग मेरे को आटे का खाली हुआ था तो मैंने उसमें लपेट के रख दूँगी। या इसमें आते हैं अजावल, आते हैं दाल, चीनी, इस तरीके के लिफाफे आ जाते हैं तो उसमें आप लोग डाल के लपेट के रख दिया करें, पूरे एक मन तक साफ़ रहेंगे। और हरी मिर्च की डंडियाँ तोड़ के रख दिया करें, वो भी काफ़ी अर्से तक फ्रेश रहेगी। और इसी तरीके से आप लोग अदरक को भी लपेट के रख सकते हैं, वो भी सेफ रहेगी। डायरेक्ट जो फ्रिज में सामान हम रख लेते हैं अदरक, तो ये सामान जो है नमी से जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं, अगर ये से लपेटे हुए रखे हुए होते हैं तो काफ़ी अर्से तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ हम अपनी बेटी की सालगिरह कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया हम आपस में फैमिली वाले ही होते हैं, छोटी सी करते हैं, खाना भी तैयार हो गया है। ये मेरी बेटी का केक है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरी बेटी को दुआएं दें कि सालगिरह है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल कीजिएगा, आप लोगों को जुम्मा मुबारक, 14 अगस्त मुबारक। अल्लाह हाफिज़।